हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आनंद अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लगातार पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने बहुत बार जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात किया था, और मैटर है कि आखिरकार हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन होता है के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस बी ए अपॉन आर टी। यही हमारा क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है, जहां के जो है रेट कांस्टेंट है, ए जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसी को हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बच्चों ये जो है हमारा वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू यहां पर 8.31 या 2 कैलोरी लेंगे। 8.31 अगर जुड़ जाएगा 8.31 और कैलोरी रहेगा तो 1.99 या 1.98 या 2 कुछ भी वैल्यू लेंगे। हमें बात हुई कि 1.98 और 1.99 जो है लगभग 2 के बराबर है, तो हम 2 कैलोरी भी लिख सकते हैं। फिर टी जो है हमारा बच्चों वो टेम्परेचर है, किस चीज में में। और जो ये जो आप एक टर्म लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी, इसको इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे, इस पूरे टर्म को कहते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनका एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और उससे ज्यादा एनर्जी प्राप्त करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो लिखेंगे इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन से यह सारा हमारा हम लोगों का इंफॉर्मेशन है। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। उन्होंने बात किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी को ईए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एक एक्सपेंडेड रूप हमें चाहिए ताकि उसके द्वारा जो है हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सके। तो बच्चों आइए हम लोग इस फॉर्मूला को एक एक्सपेंडेड रूप देते हैं।
ताकि वहां से आसानी से हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सके। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग दोनों तरफ ले लेते हैं एलएन, टेकिंग एलएन बोथ साइड। बच्चों एलएन लेने का मतलब क्या, एलएन लेने का मतलब है कि हम लोग लॉन्ग ही ले रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उसका बेस 10 नहीं बल्कि बेस जो होगा वो ई होगा, ठीक है। अगर किसी भी लॉग का बेस ई है तो हम लोग कहते हैं कि उसको दूसरे शब्दों में हम लोग एलएन भी कह सकते हैं। तो टेकिंग एलएन बोथ साइड, तो क्या रहेगा बच्चों, एलएन के इक्वल्स टू एलएन ए इनटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आरटी। एलएन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, एलएन ए into e to the power c over rt, तो ln a into b के रूप में है ना, तो log का हम लोग जो कांसेप्ट है उसको हम अप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई में आता है तो क्या आ जाता है प्लस में, तो ln a into b, तो ln a plus ln b, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग ln k equals to ln a plus ln e to the power minus ये अपॉन आरटी। अब बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, एलएन के इक्वल्स टू एलएन को उससे ले आते हैं, तो इसको या इसको ऐसे भी छोड़ते कोई दिक्कत वैसे नहीं है, तो एलएन ए। अब देखिए बच्चों एलएन ए की पावर किस इट या ऐसा कह रहे कि एलएन ए ये डी चीज सर इस टर्म फॉर्म में ए का है, एलएन ए की पावर बी, या फिर ये लॉग का ये एक्सप्रेशन है कि log a to the power b जो होता है वो b log a के बराबर होता है, मतलब जो हमारा पावर होता है वो log से पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो ln a to the power this, तो ये टर्म पूरा पहले आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये अपॉन r into t into ln e। इतना तक तो हम लोग पहुंच गए कि ln k equals to ln a minus e upon rt into ln e। अब बच्चों जैसा कि हम लोग log निकालना जानते हैं, ln निकालना नहीं जानते हैं, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से इसे जो है हमें log के रूप में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सके। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि सबसे पहले इस ln को हम लोग लॉग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ln e की जो वैल्यू होगी ना वो एक के बराबर आएगा इन टर्म्स ऑफ लॉग। कैसे, देखिए आप ln को अगर हमें लॉग के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर ln को हमें लॉग के रूप में कन्वर्ट करना है तो बच्चों ln बराबर 2.303 इनटू लॉग होता है, ठीक है ना, ln इक्वल्स टू 2.303 इनटू लॉग होता है। अब ln e को हम लोग a ले सकते हैं, क्या है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि log ध्यान से देखिए log बेस e को हम लोग कह रहे हैं क्या ln, तो log अगर बेस e है और log e की वैल्यू का हम निकालेंगे तो कितने बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा, तो इसको हम ले सकते हैं ln e के बराबर। ln e का मतलब क्या हो गया कि log बेस e e, तो हम जानते हैं कि कोई भी लॉग के बेस में जो वैल्यू होता है अगर उसी का लॉग हम निकालते हैं तो वो जो वैल्यू होता है वो कितने बराबर होता है, एक के बराबर, तो ln इन टर्म्स ऑफ लॉग e होता है, तो हम लोग लॉग का बेस e है और हम लॉग e की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू कितने बराबर आएगा, 1 के बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ln e की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितने बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो एक और स्टेप हम यहां पर थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं, ln के इक्वल्स क्या आ जाएगा, ln a minus e upon r into t। अब जैसे कि मैंने बताया कि ln को log के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 log क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो मिल सकते हैं यहाँ पे, तो 2.303 इंटू लॉग के, ठीक है, इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग ए माइनस ये अपॉन आई इंटू टी। बच्चे 2.303 को अगर हम लोग भेज देते हैं तो लॉग के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहां भी जाएगा नीचे में और यहां भी आएगा, तो लिख सकते हैं इसको कि 2.303 इंटू लॉग ए अपॉन 2.303 से कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं, इसको इसको हम मिटा दे रहे हैं, बच्चों इसको हम आगे जो है देखिए क्या ले सकते हैं, इसको जब काटने के बाद क्या ले सकते हैं, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/t। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो है अलग अलग रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, तो अगर अलग अलग अगर दो टेम्परेचर पर अगर दो रेट कांस्टेंट दिया जाएगा तो उस केस में हम लोग कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक पहला कंडीशन में कुछ अलग टेम्परेचर है तो वहां पर रेट कांस्टेंट अलग होगा और दूसरा कंडीशन उसी वही एक्सपेरिमेंट का दूसरा कंडीशन बताया है कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, मतलब उसके साथ वो भी वैरी करेगा, रेट टेम्परेचर के साथ जो है रेट कांस्टेंट भी वैरी करेगा। तो ऑन दैट केस हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम देख लेते हैं, कोई बहुत हार्ड बात नहीं है, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। बच्चों देखिए जैसे कि अगर T1 टेम्परेचर है तो निश्चित रूप से हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T1 जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, K1 और एट टेम्परेचर T2 एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K2 के बराबर। तो बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप अप्लाई कर दीजिए। तो अगर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 तो हम लोग लिखते हैं एट टेम्परेचर T1 क्या लिखेंगे, लॉग K1 इक्वल्स टू ये तो कांस्टेंट है ना हमारा, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आईएस कांस्टेंट है, माइनस ईए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1 इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट। और एट टेम्परेचर T2 की बात करें, एट टेम्परेचर T2 की बात करें क्या लिख सकते हैं, लॉग K2 इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, हो गया बच्चों सेकेंड, लिखते हैं अब इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को फाइनली
एक्सप्रेशन जो है आ जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को हम क्या काम करते हैं कि जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन, यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ कि नीचे का साइन जो है ये नेगेटिव हो गया, तो हमारा क्या जाएगा लॉग के वन माइनस लॉग के टू, और ये टर्म जो है वह होगा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो उस केस में जो है ये दोनों का जो है लॉग ए माइनस लॉग ए वैल्यू सेम, तो जीरो, कैंसिल आउट, खत्म, कुछ नहीं। तो ऐसा ले सकते हैं क्या, लॉग के वन माइनस लॉग के टू इक्वल्स टू, हम ध्यान से देखते हैं ये टीचर का पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू वन बाई टी टू माइनस ये अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू वन बाई टी वन, लिख सकते इसको हम लोग सीखेंगे। तो ये अपॉन 2.303 इंटू आर कॉमन निकाल देंगे बाहर, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं log k1 माइनस log k2 इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। सॉरी, वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं, मुझे इसको मिटा के रहना है। तो log k1 माइनस log k2 log a माइनस log b, तो हम लोग को मालूम है कि अगर log a माइनस log b हो तो हो जाता है log a by b। तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, log k1 अपॉन k2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस ये अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। कुछ इस तरीके से या सो थोड़ा सा और एक्सपेंडिंग में कैसे ले सकते हैं हम लोग, देखते ध्यान से, लॉग ए वन बाई के टू इक्वल्स टू माइनस ये अपॉन, सब कुछ ठीक ठाक तो है, यहां नेगेटिव निकाल दिया, नहीं सॉरी अब सही है, ये अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1 by T2 minus 1 by T1.